रूस यूक्रेन युद्ध में रूस काफी समय से अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य पश्चिमी देशों की भूमिका पर सवाल उठाता रहा है। रूस का कहना है कि अमेरिकी मदद के चलते ही यह युद्ध इतना लंबा खिंच रहा है। हालांकि बीते कुछ महीनों से यूक्रेन को अमेरिकी मदद नहीं मिल रही है और यूक्रेन युद्ध के मैदान में कमजोर होता जा रहा है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक भाषण में दावा किया कि पश्चिम रूस के साथ वही करने का इरादा रखता है जो उसने यूक्रेन और कई अन्य देशों के साथ किया है। पुतिन का कहना है कि पश्चिम रूस को एक मरणासन्न और विफल राज्य में बदलना चाहते हैं। अपनी बातों को गंभीरता से रखते हुए पुतिन ने कहा कि औपनिवेशिक आदतों वाला पश्चिम दुनिया भर में राष्ट्रीय संघर्षों को भड़काने के आदि हैं और इनके इरादे हमारे विकास को रोकने से कहीं आगे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस के स्थान पर पश्चिम एक आश्रित, मुरझाई और मरती हुई जगह चाहते हैं जहां वे जो चाहें कर सके। रूस इस युद्ध के शुरुआत से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों को यूक्रेन को भड़काने और इस युद्ध के लिए जिम्मेदार बताता रहा है। पुतिन ने अपने भाषण में यह भी संकल्प लिया कि हम किसी को भी अपने घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। रूसी नेतृत्व के अनुसार पश्चिमी अभिजात वर्ग ये स्वीकार नहीं कर सकता कि एक नई बहुध्रुवीय दुनिया उभर रही है जिसमें कई संप्रभु शक्ति केंद्र मानवता के भाग्य का फैसला करेंगे। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के अनुसार पश्चिम रूस सहित बढ़ती शक्तियों को आर्थिक प्रतिबंधों से लेकर सैन्य बल के पूर्ण उपयोग तक हर तरह से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है।